गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वंस अगेन आई एम इन फ्रंट ऑफ यू विद द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन विच इज़ सीन ऑन योर स्क्रीन तो आपके स्क्रीन पर जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को एक बार मैं रीड आउट कर देता हूँ सो दैट यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड द फिगर्स एंड द वैल्यूज विच इज गिवेन सो आपके क्वेश्चन है क्वेश्चन कैलकुलेट द हमको क्या फाइंड आउट करना है कैलकुलेट वैल्यू एडिड बाय फर्म एक्स बाय फर्म एक्स फ्रॉम द गिवन डेटा फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा लिखा हुआ है इसमें फ्रॉम द हम यहाँ लिखते हैं गिवन डेटा तो डेटा आपके सामने है और डेटा क्या है ओके तो डेटा है आपके सामने कि सेल्स की वैल्यू दी हुई है सिक्स हंड्रेड ये लैक्स में है लेकिन हम उसको इग्नोर करते हैं फिलहाल सो so दैट हमको उसके उसका चक्कर नहीं रहे नेक्स्ट है, सेल्स हमारा है सिक्स हंड्रेड और हमारा परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है टू हंड्रेड इम्पोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल है वन हंड्रेड वन हंड्रेड परचेज ऑफ मशीन है टू हंड्रेड क्लोजिंग स्टॉक फोर्टी और ओपनिंग स्टॉक टेन है तो इस फिगर से हमको आगे बढ़ना है तो इस फिगर्स में हमको सबसे पहले हमको क्या निकालना है कैलकुलेट द वैल्यू एडिड हमको क्या निकालना है वैल्यू एडिड कितना हुआ ओके okay? ये हमारा क्वेश्चन है हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर जहाँ पर हम इस पर विचार करेंगे इसका सोलूशन कैसे करना है तो क्वेश्चंस को अगर आप देखें तो पहले सबसे पहले हमको क्या निकालना होता है कि हम वैल्यू ऑफ आउटपुट का जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या है वैल्यू ऑफ आउटपुट ओके तो वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है दिस इज सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक चेंज इन स्टॉक ठीक है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक ये हमारा क्या है वैल्यू ऑफ आउटपुट है अब हमारे में ये ध्यान देना है कि सेल्स का मतलब क्या होता है डोमेस्टिक सेल्स और एक्सटर्नल सेल्स मतलब एक्सपोर्ट ये सेल्स के दोनों पार्ट हैं फिलहाल उसकी यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें इसकी एक्सपोर्ट नहीं दिया हुआ है ठीक है तो हमारे लिए वो समस्या नहीं है लेकिन आपके दिमाग में होना चाहिए तो सेल्स इंक्लूड द डोमेस्टिक सेल्स डी एस प्लस एक्सटर्नल सेट सेल्स और एक्सटर्नल सेल्स का मतलब क्या है एक्सपोर्ट तो ये है लेकिन आपके सेल्स केवल डायरेक्ट सेल्स दिया हुआ है तो आपको इससे झंझट में पड़ने की ज़रूरत ही नहीं है ओके तो इसलिए हम इसको रब कर देते हैं और इसकी ज़रूरत नहीं मैं आपको बस स्टेप बाई स्टेप समझाने का प्रयास कर रहा हूँ इसको ध्यान देंगे तो हमारा जो सेल्स है जो सेल्स का फिगर दिया हुआ है उसको हम डायरेक्ट कर लेंगे ले ले। अब चेंज इन स्टॉक जो कि दिया हुआ है हमको तो हम चेंज इन स्टॉक जो है वो निकालेंगे चेंज इन स्टॉक हम चेंज इन स्टॉक जो है तो चेंज इन स्टॉक हमारा क्या होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक तो आपके क्वेश्चन में देखिए क्लोजिंग स्टॉक दिया है वो फोटी दिया हुआ है और ओपनिंग स्टॉक दिया है टेन दिया हुआ है तो हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर तो पहले हम सेल्स की वैल्यू डाल देते हैं कितनी हुई ये हमारा वी ओ कर देता हूं इसको वैल्यू ऑफ आउटपुट बढ़ाना लिखकर हम वी ओ देते हैं कभी कभी ये दिक्कत कर रहा है वैल्यू ऑफ आउटपुट ओके वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल टू सिक्स हंड्रेड प्लस फोर्टी माइनस टेन ओके फोर्टी माइनस टेन इक्वल टू वाट सिक्स हंड्रेड प्लस थर्टी इजिकल टू सिक्स थर्टी तो ये हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट हो गया तो पहला लेकिन क्वेश्चन हमारा कहता है क्या क्वेश्चन हमारा कहता है कि कैलकुलेट द वैल्यू एडेड बाय फॉर्म एक्स वैल्यू एडेड पूछता है तो अब इसमें वैल्यू एडेड क्या होगा तो वैल्यू एडेड वैल्यू एडेड हमेशा वैल्यू रेट का मतलब क्या होता है कि हम उसमें से इंटरमीडियट कंजम्पशन को माइनस कर दें तो वैल्यू ऑफ़ आउटपुट हमारा जो वैल्यू आया ठीक है उसमें से हमने किसको माइनस करना है इंटरमीडिएट कंजम्पशन को और आपके क्वेश्चन में इंटरमीडिएट कंजम्पशन के रूप में क्या दिया परचेज ऑफ रॉ मटेरियल अब परचेज ऑफ परचेज ऑफ रॉ ियल ये आपका क्या है इंटरमीडिएट कंजम्पशन के रूप में है ठीक है तो वैल्यू ऑफ़ आउटपुट में से इंटरमीडियट कंजम्पशन को आप माइनस करेंगे तो ये होगा आपका वैल्यू एडिट हो जाएगा तो अब यहाँ पर हम माइनस uh, करने से पहले हम थोड़ी सी बात कर लें कि जैसे आपने पहले एग्जाम्पल में देखा था मिल्क और टी तो टी तो हमारा वैल्यू ऑफ़ आउटपुट हो गया यहाँ पर वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है टी है और मिल्क क्या है ये हमारा इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो गया तो वैल्यू एडिड क्या होता है वैल्यू एडिड वैल्यू ऑफ आउटपुट में से हम इंटरमीडियट कंजम्पन को माइनस कर देते हैं ठीक है तो हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट ये वैल्यू एडिड मिल जाएगा तो वैल्यू ऑफ़ आउटपुट क्या मतलब प्राइस ऑफ टी प्राइस ऑफ टी प्राइस ऑफ टी माइनस प्राइस ऑफ मिल्क तो इस तरीके से हम जो पहले जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं उसके उसकी सहायता से हम इसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं तो यहाँ पर वैल्यू एडिड इज वैल्यू ऑफ़ आउटपुट जैसे मैं टी का एग्जाम्पल लिया और परचेज ऑफ रॉ मटेरियल मिल्क का एग्जाम्पल लिया तो वैल्यू ऑफ आउटपुट में से हम वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल माइनस कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा वैल्यू एडेड तो हमारा कितना आया था वैल्यू ऑफ आउटपुट हम लिखते हैं वैल्यू एडिड ग्रॉस वैल्यू एडिड कर सकते हैं तो वैल्यू एडिड क्या हो गया सॉरी <coughs> सिक्स हंड्रेड थर्टी जो वैल्यू ऑफ आउटपुट आया था माइनस टू हंड्रेड परचेज ऑफ प्रोमीटर जो है टू हंड्रेड तो इस तरीके से जो फिगर आया वो हमारा क्या हुआ फोर तो हंड्रेड थर्टी क्योंकि सारे लैक्स के टर्म्स में हैं तो ये हमारा लैक्स में हम लेते हैं हाँ हमने कहीं हालांकि ये लिखा नहीं था लेकिन चूंकि तो लैक्स में दिया है क्वेश्चन में इसलिए मूल क्वेश्चन में इसलिए, तो इसलिए ना तो इस तरीके से हम वैल्यू एडेड निकालते हैं ठीक है तो ये बहुत ही आसान तरीके से मैंने और पिछले जो भी आपने पढ़ाया है उससे रिलेट करने का मैंने प्रयास किया उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा थैंक यू